जिसके सिर ऊपर तू स्वामी सो दुख कैसा पावे। बोल न जाने माया मद माता मरण चीत न आवे। यह कहानी कहीं की भी हो सकती है, हर उस जगह की जहां मेहनतकश काम करते हैं, लेकिन ये कहानी है एक ऐसे महानगर की जहां आदमी आदमी को खींचता है, जहां आज भी फरिश्तों के पैर इंसान की जिंदगी को मंजिल तक पहुंचाते हैं। जल्दी काम करो, सुनाई देता क्या तुम्हें? चलो उधर, एक काली है, काम चोर जल्दी कर, चल इधर। दिखाई नहीं देता क्या तेरे को? तुम इंसान हो कौन हो? देखो मजाक नहीं है, हम कहते हैं डंडा छोड़ दो। हाँ छोड़ दो। लो छोड़ दिया। ये क्या बदतमीजी है, मेरी फैक्ट्री में काम करते हो और मेरे बेटे पे हाथ उठाते हो? अबे चुप, हमने इस पर हाथ नहीं उठा, इसने हमारा हाथ उठवाया है। ये देखो क्या हाल बना है इसका। ये आदमी अपनी उम्र से ज्यादा बोझ उठा के ले जा रहा था तो आपका ये आंखों वाला अंधा इससे टकराया और इसका ये हाल बना दिया। शट अप, इससे बहस करने की कोई जरूरत नहीं पिताजी, इसे पुलिस के हवाले कर दे। जा जा, बुला पुलिस को, बुला, हम भी बयान देंगे तूने इसको कैसे मारा है। अरे सेठ जी, पुलिस को बुला के आपका लड़का क्यों फोकट के लफड़े पड़ना चाहता है? अभी उल्लू, पुलिस को बुलाकर खुद फंसना चाहता है? आज से तुम नौकरी से बर्खास्त किए जाते हो। अरे जा, तू कौन होता है हमें नौकरी से बर्खास्त करने वाला? हम इसी वक्त तुझे मालिक होने से बर्खास्त करते हैं। और सुना, इसे अस्पताल ले जाओ वरना हम तुम दोनों को अस्पताल पहुंचा देंगे। पाठ करता है। जय हो, जय हो, जय भोले भंडारी, जय लक्ष्मी माता, जय काली माता, सबका भला करना और साथ हमारा भी। अबे हाथ मेरे रास्ते से। क्या कहा? नहीं नहीं, मैं तो अपने आप से कह रहा था। शंभू नाके में दिमाग खराब हो गया, कैसे कैसे घंटों से दोस्ती रखता है। ओ! अरे बाबू जाने दो इसे, छोड़ो छोड़ो, आओ इधर आओ इधर आओ। आज काम से इतनी जल्दी लौट आए? हम तो काम से हमेशा के लिए लौट आए। क्या मतलब? मतलब ये कि हमने नौकरी छोड़ दी। क्यों? हमें सेठ के बेटे का रवैया ठीक नहीं लगा। कुछ खास नहीं हो गई? हमारे साथ हो या साथ ही मजदूर के साथ, बात तो एक ही है। अरे लानत है ऐसी नौकरी पर जो चंद पैसों के लिए एक आदमी को कुत्ते की तरह जलील किया जाए। हम तो आज की मजदूरी भी छोड़ा है। चलो जाने दो, पहले मुंह हाथ धो लो फिर कुछ खा पी लो। खाने पीने के लिए पैसे नहीं है हमारे पास। कैसी बातें करते हो बाबू, तुमसे पैसे किसने मांगे हैं? क्या ये कम है शंभू काका कि आपने हमें सहारा दिया, इस होटल में रहने की जगह दी और सबसे बढ़कर हमें अपने दिल में जगह दी। क्या क्या? और खाने पीने के मामले में आपको हमारा असूल मालूम है,
कि जब तक हम अपनी रोटी खुद नहीं कमाएंगे, कुछ नहीं खाएंगे, चाहे हम मर क्यों ना जाएं। बाबू जिद ना करो, कुछ खा पी लो, रही काम की बात, भगवान की दया से कोई ना कोई काम जरूर मिल जाएगा। तुम भी भगवान के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना करो ना। देखो शंभू काका, जब तक हमारे ये दो हाथ सलामत है, हमारे जिस्म में ताकत है, तब तक हमें किसी के सामने हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं है, किसी भगवान से भीख मांगने की जरूरत नहीं है। क्या ये कम है कि आज की दुनिया में भी आप जैसे लोग हम पर मेहरबान हैं? चले बुड्ढे जल्दी चल, गाड़ी का टाइम हो गया है, स्टेशन जल्दी चल। हाँ, चलता हूँ सर, चलता हूँ। अरे तुम तो हमें मरवा दोगे, इससे तो अच्छा था कि पैदल चले जाते। चल चलो चलो जल्दी चल। समझ में नहीं आता, एक पैर कमर में लटका बैठा है, दूसरे से रिक्शा खींच रहा है। क्या करे बेचारा, आदमी की लाश तो जला दी जाती है, लेकिन जब तक लाश जिंदा है उसे पेट की आग जलाती रहती है। बस बस ज्यादा लेक्चर मत छाड़ो, हमें जल्दी स्टेशन पहुंचना है। एक मिनट। आओ चाचा। किसका मुंह देखा था, कहां फंस गए आके यार। आओ चाचा, थोड़ी देर आराम करो, बैठो। अब तो आज की रोजी की कही। फिकर मत करो चाचा, आज से हम आपका रिक्शा चलाएंगे, जो भी मिलेगा आधा आपका आधा हमारा। बेटा क्या नाम है आपका? अरे जल्दी करो भाई, हमारी गाड़ी छूट जाएगी। चाचा इन सवारियों का कितना किराया तय किया था? 3 रुपए। 3 रुपए? अरे हाथी जैसे इतने मोटे मोटे दो आदमी और इनके 3 रुपए, इनसे तो डबल लेना चाहिए था। अरे भाई जल्दी करो। अरे हाथ, चाचा आप यहीं बैठो, इन्हें स्टेशन पर छोड़ कर आते हैं अभी। अरे जल्दी करो भाई, हमारी गाड़ी छूट जाएगी। अरे साहब फिकर मत करो, हमारी जान छूट जाए लेकिन आपकी गाड़ी छूटने नहीं देंगे। बाप रे भारी है, लगता है अब ये भी सीखना पड़ेगा। हाँ ठीक से चलाना। चल बेटा। कहाँ जाता है? ए, ये मेरा रिक्शा है, ठहरो, पकड़ो, चोर चोर, पुलिस पुलिस। अरे चिल्लाता क्यों है सेठ? अरे वाह, मेरा रिक्शा है और मैं चिल्लाऊंगा नहीं। ये तेरा रिक्शा है? जी हाँ, 100% मेरा रिक्शा है। ये टेढ़े मेढ़े पहिए, ये टूटी हुई छत, ये फटी हुई गद्दी, मैंने ये रिक्शा रामू को चलाने को दिया था, ये तेरे हाथ कैसे लग गया बे? अबे तबे से बात की ना, तो हम बत्ती से निकाल कर तुम्हारे हाथ में रख देंगे। अरे वो तो रामू काका की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए हमने ये रिक्शा ले ली चलाने के लिए। हमें काम की जरूरत थी, रामू काका को रोजी की, अब तो हम दोनों इस रिक्शा के बराबर के हिस्सेदार हैं। कमाल कर रहे हो, मेरी धोती को फाड़ के रुमाल कर रहे हो, रिक्शा मेरा और हिस्सेदार तुम दोनों। सेठ तुम्हें भाड़े से मतलब है ना, 10 रुपए रोज मिल जाया करेंगे। 10 रुपए तो 10 साल पुराना रेट था, आज का नवा रेट 25 रुपए से कमती नहीं होगा। 25? देखा कंजूस को, 25 रुपए में तो कोई कबाड़ी भी इसे नहीं खरीदेगा, संभालो अपना अंगड़ दंगड़। अरे मेरे मुन्ना मेरे राजा, तू तो नाराज हो गया, मैं तो मजाक कर रहा था, चलो 10 रुपए से ही। लेकिन हर शाम ढले मेरी खिड़की तले मेरी झोली में 10 रुपए डाल देना, शाम ढले खिड़की तले 10 रुपए। सेठ हम समझते थे कि मजबूर होकर सिर्फ गरीब ही भीख मांगते हैं, लेकिन हमें नहीं मालूम था कि तुम जैसे सेठ भी भीख मांगते हैं। अरे तुम मुझे भिखारी कह लो, कंजूस कह लो, कमीना कह लो, कुछ भी कह लो, लेकिन रात को सोने से पहले मेरा भाड़ा दे दिया करो, नहीं तो मेरी रातों की नींद हराम हो जाएगी। अरे चुनीला कहाँ गया? अबे चुनीला बच्चे, मेरा असली बच्चे था क्या? मैं तो असली जाना, मैं बर्बाद हो जाऊंगा। वाह बेटा वाह, ये जूनियर वाले को खरी खरी सुनाने वाला, आज तुम बड़े रिक्शा वाले हो। क्या नाम है तुम्हारा? बाबू। बाबू बहुत अच्छा नाम, मेरा नाम गुल्लू, ये दादू, ये मोटू और ये टिकू। गुल्लू मिया, हमारे आने से आप लोगों को कोई इतराज तो नहीं? कैसी बातें करते हो, ये तो हमारी खुश नसीबी है, तुम्हारे जैसा शेर दिल आदमी आज हमारी बिरादरी में शामिल हो रहा है। भाइयों डिस्ट्रॉय डिस्ट्रॉय, ये कौन है? जोगू। अबे जोगू नहीं, जगू। ये भी रिक्शा चलाता है? बाबू भैया ये रिक्शा नहीं चलाता है, लेकिन दूसरा बहुत कुछ चलाता है, दारू का धंधा भी चलाता है, जुआ का आटा भी चलाता है, और ऐसी ऐसी चीजें चलाता है कि मुझे बताते हुए शर्म आती है। क्यों बे मोटे, जबान पे चर्बी चढ़ी है क्या?
कहो तो छाड़ दूं। जग्गू मास्टर, नाराज क्यों हो रहे हो? मैं तो तुम्हारी तारीफ कर रहा था। कुछ माल वाल लाए हो? चुप है, इस वक्त जग्गू अपना माल देखने आया है। हाय हाय, आ गई कमरानी मरियम। हाय क्यों कमो, आज सबको टिफिन पहुंचा कर आने में बहुत देर कर दी। अपने चिकने चेहरे पर पाउडर, होठों पे लाली और आंखों में कजरा, 16 सिंगार करने में टाइम तो लग ही जाता है ना। अरे हट गंदे थोपड़े के। हाय हाय, अरे कमो रानी, क्या खराबी हमारे थोपड़े में? हटा छड़ी। न हटाऊ तो कम्मो। अबे शर्म नहीं आती औरत पर हाथ उठाते हुए? जानता है मैं कौन हूँ जग्गू दादा? अरे रामू कालू, मेरी छुरी तो लाओ। भैया एक प्याली चाय देना। कमीना, '96, '97, '98, '99। माफ करना साहब, माफ करना, गलती नहीं होगी। माफ करना साहब, गलती हो गई तुम्हारी। सलाम हौलदार साहब। सलाम, क्या बात है? एक केस पकड़ाने आया हूँ। हाँ, वो रिक्शा है ना, रिक्शा उसके सीट के नीचे। हाँ? वो आदमी जो चाय पी रहा था ना, वो बेच रहा है, पकड़ लो उसे, जल्दी जल्दी। लोको रिक्शा। क्यों बे, खोला इसे। हम गर्भवती का पेट देखकर बता देते हैं कि पेट के अंदर लड़का है या लड़की, समझे? अरे चलो। अरे खोला इसे, खोलो। सरदार साहब, इसमें और क्या होना है, इसमें तो हमारा खजाना है। चलो ये देखिए ना, ये देखिए, ये मग है। हाँ। ये खाने की थाली है। हाँ। ये गिलास है और ये हमारे। हाँ। ये है दारू की बाटली। नाजायज दारू बनाकर बेचते हो बाजार के अंदर और हमसे झूठ बोलते हो। लेकिन मैं बेच रहा हूँ पुलिस स्टेशन। अरे मेरी, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी, कच्चा चबा जाऊंगी। मैं तुझे देखती हूँ। तुम कौन हो? अरे पूछ इस कल मुहे से कौन हूँ मैं। 7 साल पहले 7 फेरे करके ले आया मुझे, और अब कल के देखे फेरे लगवा रहा है। क्या बकवास कर रही हो कमो? अरे चुप हवलदार साहब, 3 दिन से मेरे 3 बच्चे भूख से तड़प रहे हैं। चौथा बुखार में तड़प रहा है। और पांचवा होने को तड़प रहा है। और ये 6 दिन से गायब है, ना जाने किस बंदरिया के साथ। अरे अरे जरा अपने डंडा तो देना। नहीं 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 नहीं, मैं तुम्हारे हाथ में नहीं दे सकता, ये गैर कानूनी है। नहीं नहीं,
हवलदार साहब, हवलदार साहब, चोट तो नहीं आई? हाँ, ये लीजिए डंडा। अरे वो कंबक रिक्शा वाले, ऐसी गुणवती, रूपमती और सत्यवती बीवी के होते हुए तू बाजार में आवारा गर्दी करता रहता है। अगर मेरी ऐसी बीवी होती तो मैं घर के बाहर कदम ही नहीं निकालता। अरे हवलदार साहिब, अगर ये रूपमती, ये गुणवती और ये सत्यवती इतनी ही पसंद है तो दोबारा ही शादी कर लो। हम अभी तलाक दिया देते, लेकिन उसके बाद ऐसा नाच नचाएगी, ऐसा नाच नचाएगी कि आप हवलदार से चमत्कार लगने लगेंगे। क्या बक्के हो? अरे हवलदार साहिब, अब आप ही बताइए ना, सारा दिन काम करने के बाद मर्द जब थका हुआ रात को घर लौटता है तो बीवी की क्या ड्यूटी होती है? कि उसे दो अच्छे बोल बोले, अरे आंखों में कजरा, बालों में गजरा लगाए, अपने मियां का दिल बहलाए, उसके हाथ पांव दबाए। लेकिन ये है ना, ये तो सिर्फ पैसे के सिवा कुछ बात ही करती नहीं। जब देखो पैसा पैसा, 100 झूठे मारे होंगे तब जाके ये झूठा पैदा हुआ होगा। जितना कमाता है सब मेरी सौतन पर लुटाता है और बीवी बच्चों को भूखा मारता है। अब समझा, ये गुल छर्रे उड़ाने के लिए इसके पास पैसा कहां से आता है? ये नाजायज दारू बेचता है और पैसा कमाता है। अरे ये नाजायज दारू, अरे इस बुद्धू में इतनी अकल होती तो ये कब का लखपति ना बन गया होता। और मैं मोटरों में घूमती, मोटरों में। अरे ये दारू नहीं पानी है, पानी जिसे मैंने 6 दिन पहले इसके रिक्शे में रखा था। बहुत प्यास लगी है। ये पानी था, अच्छा हुआ मैं इसे पुलिस स्टेशन नहीं ले गया, वरना मेरी इज्जत पे पानी फिर जाता। चलो क्या तमाशा बना रखा है, चलो चलो की जाने चलो। अरे बड़ी गर्मी लग रही है, आइसक्रीम खिला दो ना ठंडी ठंडी। आइसक्रीम? हाँ वो तो ठीक है, लेकिन ये पानी की बोतल हमारी रिक्शा में कहाँ से आई? अरे गोबर गणेश, ये पानी नहीं दारू है। दारू? दारू? हाँ, उस जग्गू के बच्चे है ना, तुमको फंसाने के लिए चाल चली थी। हाँ? और मैं सब कुछ दूर से देख रही थी। तू पूरा दारू पी गई? हाँ। अरे तुम्हारी खातिर तो दारू तो क्या, जहर भी होता तो भी पी जाती। तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हैं ना? अच्छे लगते हैं ना। आइसक्रीम खिलाओ ना। आइसक्रीम? हाँ। ये शहनाई की आवाज कहाँ से आ रही है? शहनाई की आवाज वो मंदिर से आ रही है ना, किसी की शादी हो रही है। नहीं, किसी की नहीं। हाँ। हमारी तुम्हारी शादी हो रही है। हमारी तुम्हारी? अब तो शादी भी हो गई, आज रात में तो आइसक्रीम खिला दो। अरे कमो, पापी भतिया।
था, लड़की जवानी पे कितना गुमान था। तुझे गोरे रंग पे बड़ा अभिमान था, चढ़ती जवानी पे कितना गुमान था। स्टीयरिंग ठीक से पकड़ो। हाँ हाँ। अरे सीधा पकड़ो ना स्टीयरिंग। सीधा तो पकड़ा है स्टीयरिंग को। क्लच पे रखो, पे रखो। अरे क्या कर रही, सामने देखो। गधा। क्या? सामने गधा है। सड़क पर गधा चल रहा है। अरे गधा सड़क पे नहीं चलेगा तो मेरे सर पे चलेगा क्या? चुप, हंसती रहती है। सॉरी सॉरी, माफ करना माफ करना। अरे अरे ऐसे सीधा गाड़ी चलाना। अच्छी बड़ी गाड़ी का सत्यानाश कर दिया। मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि मुझे गाड़ी वाड़ी चलाना नहीं सीखना। चलो नीचे उतरो, चलो। क्यों जी, क्या आप सचमुच गाड़ी ठीक करना जानते हैं? शट अप। पिंकी। क्या है? ए, चलो धक्का लगाओ। ए, क्या करते हो? पब्लिक रोड पर सबके सामने बेइज्जती करते, मैं नहीं जाती। अरे बाबा जाओ ना। जाती हूँ। हाँ हाँ चलो। हाँ, मुसीबत में फंस गए। ओ बाबा। अरे जरा जोर से धक्का लगाओ। धक्का तो लगा रही हूँ, और कितना धक्का लगाओ? और जोर से लगाओ। साहब नाराज मत होइए, देखिए ना आप इस तरह से धक्का लगा रहे हैं, आप इस तरह से धक्का लगा रही हैं, बेजुबान गाड़ी बेचारी किस तरफ जाएगी? हाँ चलो इस तरफ लगाओ धक्का। किधर से? अरे मुड़ के इस तरफ लगाओ। इस तरफ से? हाँ। अच्छा बाबा इस तरफ से तो इस तरफ से, इस तरफ से, इस तरफ से। कोई चांस नहीं है साहब। देखिए काम कीजिए, गैराज में जाके बोल दीजिए, मैकेनिक आएगा ले जाएगा। हाँ अगर आप लोगों को जल्दी है तो चलिए, मेरा रिक्शा हाजिर है। रिक्शा में जाएंगे। जा चलो। अरे अरे ओ पिंकी। आ ना मम्मी। हाँ बैठो साहब बैठो। नहीं हम रिक्शा में नहीं जाएंगे। हाँ एक आदमी खींचे दूसरा आराम से बैठे, ये सरासर अन्याय है, मानवता का अपमान है। अरे साहब मानवता के लिए आप हमारे पेट पर लात क्यों मार रहे हैं? हाँ ठीक है साहब, अभी बारिश होने वाली है, अगर बच्ची भीग गई तो जुकाम हो जाएगा। ये ठीक ही कह रहा है। रिक्शा पर चलिए ना। चलिए आप दोनों जाइए, मैं पैदल आता हूँ। पैदल?
आई लाइक यू वेरी मच. मतलब? मेरा मतलब है तुम मुझे अच्छे लगते हो. तो साहब हमारी तरफ से भी आप अंग्रेजी में यही समझ लीजिए, आई लाइक यू. चलो भाई जल्दी बैठे साहब, बारिश होने वाली है. उतरो. पिंकी कितना भीग गई तू? ओहो तेरी की. तुम तो कहते कि हम लोग को भीगना नहीं चाहिए, पर तुम क्यों भीग गए? हमारा क्या बेबी, हम तो रिक्शा वाले हैं. ए, ये क्या तुम तो मेरी बच्ची को उल्टी सीधी बातें सिखा रहे हो? ऐसी बातें करने से बच्चों के दिमाग पर बुरा असर पड़ता है. हर पेशा अच्छा है, हर काम महान है. क्यों, ठीक कहा ना मैंने? ताजू भाई साहब, आप अमीर होकर अमीरों जैसी बात ही नहीं करते. अब ज्यादा तारीफ करने की जरूरत नहीं है. ये लो अपना भाड़ा. 10 रुपए? हमारा भाड़ा 3 रुपए से ज्यादा नहीं बनता साहब. भाई हम तो 10 रुपए देंगे. हम 3 रुपए से ज्यादा नहीं लेंगे. अब ज्यादा बहस मत करो और चुपचाप ले लो. नहीं, नहीं ले लो. लो ठहरो. कमाल है, दुकानदार ने कहा था इसका रंग उड़ जाएगा, ये नहीं कहा था इसकी धज्जियां उड़ जाएंगी. कोई बात नहीं, हम सिलवा लेंगे साहब. ये लो. नहीं मिर्जा, हम कभी किसी से कुछ नहीं लेते. समझाओ ना. ये लो ना रिक्शा वाले. आप लोग सब हमारे पीछे क्यों पड़े हैं? हमने कहा ना हम कभी किसी से कुछ नहीं लेते. हम भीख नहीं लेते किसी से. हाँ अरे ये भीख नहीं है, हमारे पास है इसलिए दे रहे हैं, प्यार से दे रहे हैं. लो, यू आर जस्ट लाइक माई ब्रदर. जी मतलब तुम मेरे भाई जैसे हो. साहब अब चुपचाप पहन लो. देखती हूँ कैसे नहीं पहनोगे. लाओ डैडी पहनते पहने. अरे 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 ये क्या कर रहे हैं आप? अरे अरे छोड़िए ना, आप क्या कर रहे हैं? आप पहनो पहनो पहनो. हाँ लाओ लाओ. हाँ तुम जाओ. खाना तैयार है साहब, लगा दो. हम बाद में खाएंगे, बेबी के लिए ले आओ. अच्छा साहब. पापा पापा ये देखो. पापा देखो ना कैसे लग रहे हैं. फनी लुकिंग. कहना तुम्हारा नाम क्या है? बाबू. और आपका? पिंकी. पिंकी बहुत प्यारा नाम है. स्कूल जाती है? ये आप क्या कर रहे हो? पिंकी तुमसे इतनी छोटी है, इसे तुम कह के बुलाओ. करेक्ट बाबू, तुम कहकर बुलाओ इसे. तो तुम स्कूल जाती हो पिंकी? हाँ अभी प्राइमरी में हूँ, अगले साल कॉलेज जाऊंगी. ठीक है, अगले साल से हम अपनी पिंकी बिटिया को स्कूल ले जाया करेंगे. और जब पिंकी बिटिया राजकुमारी की तरह ठाट से हमारी रिक्शा में बैठेगी तो बाबू की रिक्शा हवा से बातें किया करेगी और फिर हम दौड़ते हुए चलाया करेंगे. अरे हटोरे हटोरे बाबू मोशाय, हटोरे बचोरे, अरे पिंकी बिटिया की सवारी आ रही है. बेबी के लिए खाना ले आया हूँ. अच्छा साहब हम चलते हैं, फिर कभी मिलेंगे. ए, तुम कहाँ चले? दामू जी इनके लिए भी खाना ले आओ. अच्छा मैम साहब. ए, चलो बाहर बैठो. दामू ये खाना यही खाएंगे. ये यहाँ खाएगा? नहीं साहब आप तकलीफ मत कीजिए, हमें भूख नहीं है. तुम कौन हो तो बीच में बोलने वाले हैं? दामू खाना लेके आओ और तुम चुपचाप उधर जाके बैठ जाओ. चलो. नहीं साहब हम यहीं बैठ जाते हैं. पापा मैं भी यहाँ बैठ के खाना खाऊं? हाँ हाँ बेटे. मम्मी खाना लाओ. ये लो. हाँ
दामू लाओ, मैं परोसती हूँ, तुम जाओ। शुरू करो बाबू। खाओ। माफ करना साहब, बच्ची ने हमारी झूठी सब्जी खा ली। खा ली तो क्या हुआ हा? पार्वती देखा चमत्कार, तुम्हारी बिटिया रोटी के साथ दही और शक्कर के अलावा कुछ नहीं खाती थी और आज कितने मजे से सब्जी खा रही है। क्या हुआ बाबू? अरे आज बसंत पंचमी का त्योहार है और ये क्या कर रहे हो यहाँ? वो जुम्मन चाचा की तबीयत खराब है ना, तो उनका साड़ी रंगने का काम हम कर रहे हैं। ए, दिन रात तो दूसरों का ही काम करता रहेगा या कभी अपनों के भी काम आएगा? चल छोड़, चल मेरे साथ। अरे चाचा, नहीं तो साड़ी की जगह तुझे ही रंग देंगे। अच्छा रंग दे दिया।
जिन हालात में मुलजिम ने खून किया है उन्हें मद्देनजर रखते हुए यह अदालत मुलजिम को ताजीरात हिंद दवा 336 के मातहत 2 साल की बामुशक्कत कैद की सजा देती है। अब तो ये भी याद नहीं कितने दिन गुजर गए, कितनी रातें बीत गई। जेल की इस चार दीवारी के अंदर अपने तन के साथ साथ मन भी बंदी होकर रह गया। न जाने कब आएगी वो सुबह जब मैं भी इन परिंदों की तरह एक बार फिर आजाद घूम फिर सकूंगा। कब कब। एक रुपए पर एक दिन का सूद लेता हूं, सिर्फ 10 पैसे। ये है मिस्टर चटर्जी का हिसाब, उनको 300 रुपए दिए थे लेकिन उनकी बीवी अबे वो झुंझुने उस लड़की की तरफ क्यों ताक रहा था? अगर यहाँ बैठकर ऐसी गंदी हरकतें करेगा तो दुकान में ग्राहक कहाँ से आएगा? अरे मेरा होटल है, तेरी दुकान नहीं। अरे भैया मैं तो खुद ही एक चलती फिरती दुकान हूँ। अरे तुम्हें चलता फिरता नजर आना, चल यहाँ से चल। अरे शब्बूनाथ मुझे धक्का क्यों मार रहे हो? मैं तो खुद ही जा रहा था। मेरा जैसा शरीफ आदमी तुम्हारी दोस्ती के लायक नहीं है। तुम्हारी दोस्ती के काबिल तो बाबू जैसा चोर उचक्का गुंडा लुटेरा है। अरे ये बाबू एक दिन तुम्हारा गला काट के गला उड़ा के ले जाता। लेकिन तुम्हारी तो किस्मत अच्छी है कि उसने किसी और का खून कर दिया और आज वो जेल में चक्की पीस रहा होगा। चक 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 चक। ये तुम्हारी चक्की बंद क्यों हो गई? बहू अरे चुनचुन वाला भागो। बहू 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 बहुत कमजोर हो गए हो। हाँ मन और तन दोनों से कमजोर हो गए। चलो कोई बात नहीं, आओ आज इकट्ठे बैठकर खाना खाएंगे। आओ बेटी आओ। शंभू काका आपका प्यार हमारे लिए वैसे का वैसा ही है, बिल्कुल नहीं बदला। लेकिन ये दुनिया वाले हमें कभी माफ नहीं करेंगे। जेल से लौटे हुए खूनी को
कौन काम देगा? अब तुम्हें काम तलाश करने की जरूरत ही क्या है? मुफ्त की रोटी खाने की आदत भी तो नहीं है। तुम कितने स्वाभिमानी हो वो मैं अच्छी तरह जानता हूँ। आओ मेरे साथ आओ, आओ ना। ये देखो, ये रिक्शा तुम्हारे लिए। ये तो एकदम नया है, नए जन्मे बच्चे की तरह नाजुक खूबसूरत। ये तुम्हारे लिए बाबू। ठीक है, हम इसे चलाएंगे और आपके लिए खूब पैसा कमाएंगे। नहीं नहीं, मुझे पैसा कमा कर देने की जरूरत नहीं। ये रिक्शा तुम्हारा अपना है, इसके मालिक तुम हो। हाँ हाँ, नहीं ये रिक्शा रहेगा आपका, लेकिन चलाएंगे हम। आपके प्यार की नौकरी करके हम अपने आप को बहुत खुश नसीब समझेंगे। बाबू ये खुश नसीबी तुम्हारी अपनी पैदा की हुई है, याद है तुम्हें? तुम अपनी आमदनी में से थोड़े थोड़े पैसे बचा कर मेरे पास जमा रखते थे। ये रिक्शा मैंने उन्हीं से खरीदा है तुम्हारे लिए। ये रिक्शा तुम्हारा है बाबू। शंभू काका, पैर मत छू, इसकी कोई जरूरत नहीं। हम ये एहसान का बदला कैसे चुकाएंगे? बदले में मैं सिर्फ इतना ही चाहता हूँ कि मेरा बाबू हमेशा मेरा बनकर रहे। रहोगे ना बाबू? बड़ी तकदीर वाली हो अनारकली, जान पे घूम रही हो। अनारकली इधर, अनारकली इस तरफ, इस तरफ। अनारकली मैं हूँ तुम्हारा सलीम। इधर आओ, इधर आओ अनारकली, इधर आओ, इधर आओ। चलो देखो कौन आ गया। अरे बाबू, बाबू आ गया। बाबू मेरे यार, बाबू बाबू। अरे क्या, अरे अरे क्या, तुम लोग बच्चों की तरह आंसू बहा रहे हो? हाँ जानते हो हम 2 साल जेल में रहे तो हमारा कितना बड़ा फायदा हुआ। हाँ हमें ये नई रिक्शा मिली है। क्या रिक्शा? 2 साल जेल में रहने से सरकार सबको नया रिक्शा देती है? हाँ 2 साल जेल में रहने से नया रिक्शा, 4 साल रहने से नया टांगा, 6 साल रहने से नई टैक्सी। नई टैक्सी? हाँ, और अगर उम्र भर रहो तो एक नया हवाई जहाज। हवाई जहाज? नहीं तुम जोड़ दोगे। दे दो ना, एक पकौड़ा दे दो ना। जाती है कि नहीं? दिमाग खा गई साली। अरे हराम शादी। अरे शर्म नहीं आती बच्ची को मारते हुए? तुम्हारा भेजा खराब हो गया क्या? चला। अरे भेजा तो खराब हो गया उन लोगों का जो बेहिसाब बच्चे पैदा करते हैं और छोड़ देते हैं सड़कों पर मरने के लिए। अरे सड़क पर नहीं छोड़ेंगे तो हर कहाँ छोड़ेंगे? आपके बाप ने कोई बगीचे बना रखे हैं चारों तरफ कलकत्ते में, जा गरीब बच्चे खेल सकते हैं। अरे एक तो नो एंट्री में घुसा है, ऊपर से रोप जमा रहे हो। चलो चलो रास्ता नापो। अरे क्या तमाशा हो रखा है? बेबी तुम्हें भी तो संभल के चलना चाहिए ना। तुम पिंकी हो? नहीं, 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 नहीं। बेबी तुम पिंकी हो ना? यहाँ इस हालत में रिक्शा वाले माँ से मत कहना, मैं भीख मांग रही थी। भीख मांग रही थी? लेकिन क्यों? मुझे बहुत भूख लग रही थी। चल चल मेरे साथ। रुको रुको, मेरा घर आ गया। Thank you.
ये लो जाके अपनी माँ को दे दो। अच्छा मम्मी, मम्मी ये देखो। ये फल तुझे कहाँ से मिले? किसी से मांग कर लाई है क्या? नहीं मम्मी, उसने खुद दिए, वो बाहर खड़ा है, जाके देखो। सुनिए, हम गरीब जरूर हैं, लेकिन भीख नहीं लेते। आप इसे मेहरबानी करके ले जाइए और यहाँ से चले जाइए। मेम साहब, आपने पहचाना नहीं, हम बाबू हैं, आपके पुराने रिक्शा वाले। आपको जब पिछली बार देखा था, आपसे सुहाग की देवी लगती थी। माथे पे बिंदिया, मांग में सिंदूर, आप तो हमेशा हंसती रहती थी। हाँ, वो जी भर कर हंसाते थे, और अब जीवन भर के लिए रोती छोड़ गए। कार दुर्घटना, 10 लाख रुपए उधार लेकर बहुत बड़ा ठेका लिया था उन्होंने। एक रात जरूरी काम से वो बाहर गए तो वह हादसा हो गया। जब अगली सुबह आई तो मेरा सूरज हमेशा के लिए डूब चुका था। उनका कर्ज चुकाने के लिए मैंने सब कुछ बेच दिया। हम राजा से रंग हो गए बाबू। अगर अगर ये मालूम होता कि भगवान हमें ये दिन दिखाएंगे, तो मैं अपने बेटे को दूध नहीं पानी पिलाकर पालती, पानी पिलाकर। मेहरबानी करके इसे ले जाइए और हमें अकेला छोड़ दीजिए। नहीं नहीं मेम साहब, आप हमें पराया मत समझिए। आप भूल गई होंगी, लेकिन हमें अच्छी तरह याद है, हम एक दिन आप सब लोगों को रिक्शा में बिठाकर घर ले गए थे। तब बहुत बारिश हो रही थी, हम भीग गए थे। आप लोगों ने हमें नए कपड़े दिए, इतने प्यार से खाना परोसा, हमें प्यार और इज्जत दी, जो हमारे लिए एक नई चीज थी। और फिर उन्होंने हमें भाई कहा था। वो तो रहे नहीं, लेकिन ये रिश्ता छोड़ गए। फिर हम गरीब आप लोगों को दे ही क्या सकते हैं? हाँ सुनो, ये फल नहीं है, ये प्यार और श्रद्धा के फूल हैं। इसे स्वीकार कर लीजिए, स्वीकार कर लीजिए। बस बस यही रोक दो इस गेट के पास। क्या देख रहे हो? इस लिबास में आप बहुत भली लगती हैं, लेकिन कितना ये अलग किस्म का लिबास है। हाँ, ये काला जब्बा, काली टोपी, ये कॉन्वोकेशन ड्रेस है। जब BA MA पढ़ते हैं और उसकी डिग्री लेने जाते हैं ना, तब ये ड्रेस पहनना पड़ता है। बहुत ऊंची पढ़ाई है। मम्मी मम्मी देखो तो, रिक्शे वाला आया है। क्यों पिंकी, खाना खा रही हो? हाँ रिक्शे वाले, देखो ये चावल है, ये दही है, ये सब्जी है और ये खीर है। बाबू,
तुम भी खाना खा लो, सूखी रोटी और पिसा हुआ नमक। हाँ जरूर खाऊंगा, बहुत भूख लगी है। ये लो नमक, इससे रोटी अच्छी लगती है। तुम रो क्यों रहे हो रिक्शा वाले? खाने में मिर्ची बहुत है ना, इसलिए। नमक और रोटी में मिर्ची कहाँ है? आप नहीं समझेंगी। जानती हूँ बाबू, जब खाना जरूरत से कम हो तो खाने वाला जल्दी उठ जाता है। एक बार आपके हाथ से ऐसा खाना खाया था कि जन्म जन्म की भूख मिट गई। रिक्शा वाले, पहले तुम फटे कपड़े पहनते थे ना, देखो अब मैं भी फटे कपड़े पहनती हूँ। अब आप ऐसे कपड़े कभी नहीं पहनेंगी। मगर अच्छे कपड़े आएंगे कहाँ से? हम लाएंगे अपनी गुड़िया के लिए, इसी दिवाली पे। जब तक ये बाबू रिक्शा वाला है, आपकी जिंदगी में हमेशा दिवाली बनी रहेगी। बाबू, मैं जानती हूँ तुम्हारे दिल में पिंकी के लिए बहुत प्यार है, लेकिन हमारी भी तो कोई मर्यादा है। आपकी मर्यादा तो हमारे लिए भगवान समान है। हम किस लायक हैं आपकी सेवा के लायक बन सके तो हमारा जीवन सफल हो जाए। बाबू चलें, हमें स्कूल जाना है। रिक्शा वाले, तुम अभी तक स्कूल जाते हो? नहीं, वो बच्चों को लेकर जाना है। याद है तुमने कहा था मुझे भी स्कूल ले जाया करोगे? हाँ, बहुत जल्दी हमारी पिंकी बिटिया स्कूल जाएगी और बड़ी होकर कॉलेज, फिर एक दिन काला चप्पा पहने, सर पर काली टोपी लगाए, हाथ में डिग्री लेकर आएगी। जब तक तुम पढ़ती पढ़ती थक नहीं जाओगी, हम भी रिक्शा चलाते चलाते थकेंगे नहीं। मेम साहब, हमने जो रास्ते में आपसे बच्ची के बारे में बात की थी वो। मेरी बात का बुरा मत मानना बाबू, मगर तुम अपनी हैसियत से बढ़कर सोच रहे हो। ऐसे स्कूल में बच्चों को पढ़ाना कोई आसान काम नहीं है। स्कूल की फीस, किताबें, यूनिफॉर्म, इन सब चीजों पर काफी खर्च होगा। और बाबू, ये सब तुम कैसे कर सकोगे? इन साहब, दुनिया में विद्या से बढ़कर और चीज क्या हो सकती है? हम अपना खून पसीना एक कर देंगे, अपने आप को गिरवी रख देंगे, लेकिन पिंकी बिटिया को पढ़ाएंगे जरूर। हम आपके सामने हाथ जोड़कर विनती करते हैं, आप उसे स्कूल में दाखिल कर लीजिए। ठीक है बाबू, कल तुम अपनी बच्ची को ले आना। कौन है? कौन है? तुम लोग? अरे यही तो वो है, अगर तुमने इनकी तबीयत खुश कर दी तो माला माल कर देंगे। चले जाओ यहाँ से। शुक्रिया सरकार, अंदर जाइए ना। Thank you.
कमीनो कुत्तो, नहीं बाबू, नहीं नहीं नहीं, जिस भगवान के पास सब कुछ चला गया है उसी के पास ये जान भी चली जाए तो फिर कोई खतरा नहीं रहेगा, कोई खतरा नहीं रहेगा। लेकिन इस मासूम की तरफ तो देखिए आप। बहुत देख लिया है बाबू, अगर बेटी के लिए जिंदा रही तो मेरा सती तो मर जाएगा, और अगर मेरा सती तो नष्ट हो गया तो मैं जीकर क्या करूंगी, क्या करूंगी, बोलो मैं क्या करूंगी, क्या करूंगी। आपके चरणों की सौगंध खाकर कहते हैं, आज के बाद किसी ने भी आपकी तरफ आंख उठाकर देखा तो हम उसकी आंखें निकाल लेंगे। मम्मी, मम्मी, रो मत पिंकी, कल हम आपके लिए कुत्ता लेकर आएंगे यहाँ। बहुत बड़ा कुत्ता? हाँ बहुत बड़ा कुत्ता, जो दिन रात आप लोगों की पहरेदारी करेगा। इधर देखो, हम तुम्हारे लिए क्या लाए, नए कपड़े। नए कपड़े? हाँ। अच्छा हम चलते हैं। रिक्शा वाले, कल कुत्ता आ जाएगा ना? हाँ हाँ आ जाएगा। पिंकी, अब तुम बाबू को रिक्शा वाला मत कहा करो। तो फिर क्या कहूँ मम्मी? मामा। मामा? हाँ बेटी, बाबू तुम्हारा मामा है, मेरा भाई, सगा भाई। बाबू, तुम्हारा मां बेटी के साथ रहना, उनकी हिफाजत का बेड़ा उठाना, बच्ची की परवरिश करना, ये सब बड़े उपकार के काम हैं। लेकिन बाबू, मैं डरता हूं कि कहीं लोग इन सब बातों का गलत मतलब ना निकाल लें। शंभू काका, हमने हमेशा अपने आप को आपकी आंखों से तोला है। अगर हम वहां सही हैं, तो हमें दुनिया में किसी की कोई परवाह नहीं है। ठीक है, जैसा तुम मुनासिब समझो। मम्मी मम्मी, देखो मामा आ गए। तुम मामा किसे कह रही हो? तुम्हें, और किसे? मुझे? रिक्शा वाले को? हाँ बाबू, मैंने ही पिंकी को तुम्हें मामा कहने के लिए कहा है। मामा, तुम कुत्ता नहीं लाए? कुत्ता? हाँ लाया ना। ये देखो, ये कुत्ते का बक्सा है, ये कुत्ते का बिस्तर है, और ये कुत्ते का बर्तन। और जंजीर? और ये रही जंजीर, इन नन्हे हाथों से वो हमेशा बंधा रहेगा। मगर कुत्ता कहाँ है? ये है ना तुम्हारे सामने। मामा, तुम कुत्ते? आपसे बगैर पूछे हम आपके घर आ गए, किसी भी कोने में पड़े रहेंगे, आपको एतराज तो नहीं है ना? बाबू, एक भाई अपनी बहन के घर में रहने को आए, इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती है? बहन? ओए हटो रे बाबू मुशा, अरे पिंकी बिटिया की सवारी आ रही है। अरे हट के हट के हट के हट के हट के हट के, चलो बचलो 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 बचलो। अरे वाह 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 वाह,
पिंकी, तुमने अपने जन्मदिन पर भगवान से क्या मांगा? मैंने कहा, हे भगवान, मेरे मामा जैसे मामा सबके हूँ। अच्छा, अरे अरे अरे, ये क्या कर रही हो? तुम्हारा पैर छू रही हूँ। ये पैर छूने के लिए नहीं है, ये पैर तो रिक्शा चलाने के लिए बनाए गए हैं। मामा, मेरी टीचर कह रही थी, जो लोग गरीबों की मदद करते हैं, असल में वही भगवान होते हैं। मामा, आज मेरा जन्मदिन है ना, तो मुझे क्या तोहफा दोगे? तोहफा? हमारा तो सारा जीवन तुम्हारे लिए है बेटी। अच्छा, तुम लोग बैठो, मैं अभी आती हूँ। ये क्या पिंकी, लंच में तुम हरों से अलग जाके बैठती हो। आ बैठो, आज हमारे साथ खाना खाओ। नहीं नहीं नहीं, आ बैठो पिंकी। नहीं 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 नहीं, प्लीज। ये क्या आया है? हर सोमवार के दिन मुसीबत, वेजिटेरियन खाना, मटन, चिकन, मच्छी, कबाब, मिठाई, कुछ भी नहीं। आहा, आज तो मेरे डब्बे में बिल्कुल इंग्लिश खाना आया, मेरी पसंद का। आज मेरी मम्मी ने रसगुल्ले और कतलेज भेजे हैं। आज मेरा बर्थडे है ना। पिंकी, तुम क्या लाई हो घर से? क्या छुपा रही हो? कुछ नहीं। क्या इस कागज में? कुछ नहीं। दिखाओ तो। ठीक, बासी रोटी और प्याज का टुकड़ा। माँ कहती है बासी रोटी और प्याज का टुकड़ा सेहत के लिए अच्छा होता है। वो तो तुम्हें देख के ही पता चलता है। पिंकी, तुम्हें रोज रिक्शा में आते हुए बोर नहीं लगता? कार में क्यों नहीं आती? मेरे मामा को बहुत काम रहता है, वो सुबह गाड़ी लेकर जाते हैं और रात को वापस आते हैं। हमारी पिंकी बिटिया इसी क्लास में पढ़ती है, कहाँ गई? हाँ, वो है पिंकी बेटी। पिंकी, थोड़ी सी देर हो गई, लेकिन हम किसी तरह बंदोबस्त करके ले आए हैं फीस तुम्हारे लिए। अच्छा अच्छा, तुम जाओ। अच्छा बच्चों, ठीक ठाक पढ़ना सब लोग। मम्मी, मैं सिनेमा देखने जाऊंगी। पढ़ने वाले बच्चों को सिनेमा देखने की क्या जरूरत है? मम्मी, मेरी क्लास का एक लेसन सिनेमा में आया है, एक गरीब आदमी की कहानी है। ऐसी कहानी देखने के लिए हमें पैसे खर्च करने की कोई जरूरत नहीं, वो तो तुम्हारी आंखों के सामने है। मम्मी, कुछ भी हो, मैं सिनेमा जरूर देखने जाऊंगी, मेरी क्लास की सारी लड़कियां जा रही हैं। मुझे पैसे दे दो। अच्छा अच्छा, मेरी जान मत खा, जाकर मामा से पूछ ले। मामा मामा मामा, हर चीज मामा से पूछो, क्या मेरी माँ नहीं है? मामा से पूछने से तुम्हारा कुछ घट जाएगा? हाँ, घट जाएगा, मेरी इज्जत घट जाएगी, मेरा धज्जा घट जाएगा। चिल्लाते क्यों हो मम्मी? मैं ठीक कह रही हूँ, जानती हो कल स्कूल में मेरी कितनी बेइज्जती हुई? फीस के रुपए जमा कराने ये जब मेरे स्कूल आए, मुझे भाना बुलाकर सीधे मेरी क्लास में चली आए, और सारी लड़कियों के सामने अपनी पैर की जेब से रिचकारी निकाल कर गिन गिन कर देने लगे। मम्मी, ये सब वो जानबूझ कर करते हैं, ताकि सारी दुनिया जान ले जिसने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है। खबरदार, जो क्लब जोर कहा। बाबू जैसे देवता आदमी की वजह से तेरी तेरी बेइज्जती हुई। बेकार है तुझ पर, तेरी शिक्षा पर, तेरे स्कूल पर।
क्या तूने ये भी सोचा है कि तेरे हाथ भीख मांगने के लिए न उठे, इसलिए आदमी कब से दौड़ रहा है? तू पढ़ लिखकर अपने कदमों पर खड़ी हो जाए, इसलिए इसे अपनी बढ़ती हुई उम्र और अपनी बीमारी की भी कोई फिक्र नहीं। आज तक मैंने कितने देवी देवताओं को प्रसाद चढ़ाया, लेकिन लेकिन किसी ने नहीं सुनी। और इस फरिश्ते ने एक दिन हमारा मुट्ठी भर अन्न खाकर हमें जिंदगी भर भूखा नहीं रहने दिया। पिंकी, पिंकी जब तू पैदा हुई थी ना, तो मैं खुशी से फूली नहीं समाई थी, लेकिन आज आज शर्म से मेरा सर झुका जा रहा है, सर झुका जा रहा है, सर झुका जा रहा है। आखिर पहुंच ही गए किसी तरह। अरे उतरो भी। Come on girls, get down. अरे उठ भी, गोदी से कब तक बैठी रहेगी? चोली का धक्का क्यों मार रही है? अरे संभाल के चलो, जल्दी चलो। अरे 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 ओ माय गॉड, मेरी कार में इतनी लड़कियां? जी हाँ, थैंक यू वेरी मच फॉर ड्रॉपिंग अस। आपका बहुत बहुत शुक्रिया ड्राइवर साहब। क्या कहा? ड्राइवर कहती है मुझे? हाँ, मुझे तुमने ड्राइवर कहा? क्या मतलब? इसका क्या मतलब? नहीं नहीं ड्राइवर साहब, नहीं भाई साहब, छोड़ दो, छोड़ दो मेरे अच्छे भैया, मेरे प्यारे भैया, छोड़ दो ना। लो छोड़ दिया, मगर एक बात याद रखना, आइंदा तुम लोग को कभी छोड़ने आ गया ना, तो मेरा नाम प्रेम नहीं। हाँ हाँ हाँ, जैसे हम ही को छोड़ने आए थे। और नहीं तो क्या? अगर हमारे साथ पिंकी ना होती तो मुझे मालूम है तुम कितने बहाने बनाते, कितने नखरे करते। अच्छा जल्दी से डिक्की खोल के सामान निकाल कर ले आओ। ठीक है मैम साहब। हाय पिंकी, क्या ढूंढ रही हैं आप? मेरा झुमका गिर गया। झुमका? जरा बाहर तो आइए। क्या है? झुमका चाहिए ना? क्या है झुमका? ये झुमका तो हम पहनाएंगे। सब लड़कियां देखेंगे। कोई बात नहीं, प्लीज प्लीज। पिंकी, मैं चलती हूँ। अब पिंकी, ऐसे हंस रही हैं जैसे जिनके बाप का नौकर, पहले ड्राइवर अब देख। हंसने की क्या बात है, आओ उठाओ। जानते हो पिंकी, मुझे ये संतरे देखकर क्या याद आता है? क्या? तुम्हारे गोल गोल का। देखा अपना बाबू का हालत, पहले क्या सीना तान कर चलता था और अब बेचारा पीठ झुका कर चलता है। मेरा समझ भी नहीं आता ये बाबू को इतना थोर मात्रा बोलने का क्या जरूरत था। हा? पेपर में फोटो आ जाता उसका। हा? अरे बेवकूफ, जिनके पास सब कुछ होता है और थोड़ा सा दान धर्म करके अखबार में फोटो छपवा लेते हैं, वो असली धर्मात्मा नहीं होते। अरे असली धर्मात्मा तो अपना बाबू है जिसके पास कुछ भी नहीं और सब कुछ दूसरों को दिया जा रहा। कैसे हो तुम लोग? अरे हमसे पूछ रहे हो, जरा अपनी हालत तो देखो, कितनी खांसी आ रही है। क्या कहा डॉक्टर ने? बहुत बड़ी बीमारी हो गई है, अमीरों वाली बीमारी हो गई है। फेफड़ों की फोटो निकालो। फोटो? ऐसी कौन सी बीमारी हो गई है? मुंह से खून उगला देने वाली बीमारी, आदमी को खा जाने वाली बीमारी,
इसको टीबी हो गई है, टीबी। बस थोड़े दिनों की बात है, उसके बाद बेचारा बाबू, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। बाबूदा, अरे क्या करते हो, इसको छूना मत, नहीं तो इसकी बीमारी तुमको भी लग जाएगी। अरे लाला, तुम्हारी तो सब उंगलियां टेढ़ी मेढ़ी हो गई हैं। हाँ देखो, नहीं मेरा हाथ तो ठीक है। अरे देखो, कान पे सफेदी भी है। सफेदी? नहीं, सफेदी तो कोरिया जाती है। हाँ, वही हुआ है। देखो तुम्हारी नाक चपटी हो गई है, होंठ मोटे हो गए हैं, आँख छोटी हो गई है। नहीं नहीं, ये तो सब जन्म से ही ऐसा है। अरे देखो, खुजा रहा है, ये कोड ही है। नहीं, मुझे तो खाज है, मुझे कोड क्यों होने लगा? जब अच्छे वाले आदमी को टीबी हो सकती है, तो तुम जैसे पापी को कोड नहीं हो सकता? नहीं, ये कोड है, नहीं है। ये कोड है, चुन वाला, अब थोड़े ही दिनों के बाद राम सत्य है, राम नाम सत्य है। बाबू बाबू, मेरी एक बात मानो, बच्ची की पढ़ाई साल छह महीना बंद कर दो और अपना इलाज करवाओ। नहीं भाई, नहीं, बड़ी मुश्किल से पिंकी की नैया पार लगने को है, हम उसकी पढ़ाई बंद नहीं करेंगे। तुम फिक्र मत करो, हम हमेशा जिंदगी से लड़ते आए हैं, अब हम मौत से भी लड़के देख लेंगे। हाँ रोको रोको प्रेम, गाड़ी रोको। क्यों पिंकी? क्या हुआ, तुमने अचानक ये गाड़ी क्यों रुकवा दी? बस यूं ही, मैं पैदल ही चली जाऊंगी। चलो फिर मैं छोड़ाता हूँ, चलो। मेरे घर तक? ना बाबा ना, तुम्हारे बारे में मामा अभी तक कुछ नहीं जानते, अगर उन्होंने मुझे तुम्हारे साथ देख लिया तो बस गड़बड़ हो जाएगी। अच्छा प्रेम, मैं चलती, बाय बाय। देखा पिंकी, मेरी कार भी तुम्हें रोक रही है। ए, चलो ना, मैं तुम्हें घर के गेट तक छोड़ दूंगा। घर के गेट तक? नहीं प्रेम, मैं पैदल ही चली जाऊंगी, बाय। पिंकी, तुम अपने मामा से इतना डरती हो? मैं, मेरा पेन? हाँ? मेरा पेन कहाँ चला गया? अरे तो, मेरा पेन कहाँ चला गया? मुझे बहुत सारे नोट्स लिखते थे, अब क्या होगा? होगा क्या, उस वक्त तक तुम इससे काम चला लो। नहीं ये तो, कम ऑन, नो प्रॉब्लम, कम ऑन। अगर तुम्हारे मामा पूछे कि ये किसका पेन है तो कह देना मेरी सहेली का। ओके, कम, टेक इट, टेक इट नाउ, स्माइल स्माइल। बाय प्रेम, बाय बाय। हाय, बाबू तुम्हें बहुत खांसी आ रही है, यहाँ खुले में क्यों लेटे हो? आजकल ओस बहुत पड़ती है, चलो अंदर चलो। नहीं, हम यही ठीक है, ये कम्बल खांसी पिंकी की पढ़ाई में हर्जा करेगी। पिंकी से कहो हमें गर्म पानी दे दे। अच्छा पिंकी, पिंकी पिंकी, उधर बाबू इसलिए बाहर रहता है कि तेरी पढ़ाई में खलल ना हो, और तू यहाँ आराम से बिस्तर पर लेटी पेन से खिलवाड़ कर रही है। ये नया पेन कहाँ से आया तुम्हारे पास? दोस्त, एक दोस्त ने मुझे दिया है। दोस्त? कौन दोस्त? प्रेम, मेरा मतलब प्रेमा, मेरे साथ कॉलेज में पढ़ती है, बहुत अच्छी है। पिंकी मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं, दोस्ती अपने दर्जे के हिसाब से करनी चाहिए। कल ये पेन वापस कर देना, और सुनो मामा गर्म पानी मांग रहे हैं, जाओ जाकर दे दो। ये लो पिंकी, हमारी वजह से तुम्हारी पढ़ाई में हर्जा तो नहीं हुआ? पिंकी
अपने हाथों से हमें कुछ भी देती हो ना, हमें बहुत अच्छा लगता है, आत्मा प्रसन्न हो जाती है। तुमने पानी तो पी लिया ना, अब मैं पढ़ने जा रही हूँ। हाँ सॉरी पिंकी स्वीराट, देर हो गई, आओ कार में बैठ जाओ। इतनी देर क्यों कर दी? I'm so sorry, darling. अब चलो। अरे अब गुस्सा थूक भी दो ना। Come on. कुछ देखा तुमने? कैसे सर करते हुए लड़का आया और फिर से उड़ा ले गया लड़की को गाड़ी में। और वो लड़की भी कैसे तड़प रही थी उससे मिलने के लिए। बेचारे माँ बाप ने क्या क्या सपने देखे होंगे, कैसी कैसी मुसीबतें उठाकर उसे पढ़ाते होंगे, लेकिन ये लड़की। इसमें कसूर सिर्फ लड़की का ही नहीं, माँ बाप का भी है। कहाँ गई थी? कहाँ गई थी तुम? जहाँ रोज जाती हूँ, कॉलेज। वो तो हमें मालूम है, लेकिन इस वक्त कहाँ से आ रही हो तुम? हाँ, क्या तुम्हारे हर सवाल का जवाब देना जरूरी है? मैं अपनी दोस्त के घर से आ रही हूँ। अपनी दोस्त या अपना दोस्त? और वो दोस्त अपनी गाड़ी में बिठाकर तुम्हें घर पर छोड़ने भी आओगा? जब तुम सब कुछ जानते हो तो पूछते क्यों हो? कुंवारी लड़की होकर एक गैर मर्द के साथ घूमते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हारे इस सवाल का जवाब देने की मुझे कोई जरूरत नहीं। पिंकी, 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 तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी बात का जवाब दिए बगैर तुम यहाँ चली आई? हाँ, सारा शहर हंस रहा है तुम पर। हमें नहीं मालूम था कि तुम पैसे की इस तरह गुलाम हो जाओगी। हमने हमने क्या क्या सपने देखे थे, क्या क्या उम्मीदें लेकर तुम्हें पाला है हमने। हाँ, और तुम हो क्यों सवारा लड़के के साथ? शट अप! अगर उनके बारे में कुछ भी कहा तो अच्छा नहीं होगा। तुमने मुझे पाल पोस कर बड़ा क्यों किया? मुझे गला घोट कर मार क्यों न डाला? तुम गरीब थे, गरीब हो और गरीब रहोगे, इसलिए तुम अमीरों को देख कर जलते हो। तुम होते कौन मुझे मारने वाले? आखिर तुम हो ना वही दो कौड़ी की रिक्शा वाले। मत मारो, हम अपनी पिंकी को पिटते हुए नहीं देख सकते, मत मारो। देखा देखा, तुम पर चोट पड़ गया तो बाबू को लगती है। तेरे सपनों को पूरा करने के लिए इसने अपने सपनों को जलाकर खाक कर डाला। न शादी की न घर बसाना, बाप बना। पिंकी, मैंने तो तुझे सिर्फ जन्म दिया है, लेकिन इसने इसे जीवन दिया है, तुझे जीवन। अपने जीवन दाता का अपमान करने वालों को भगवान कभी माफ नहीं करते, कभी माफ नहीं करते। नहीं, रहने दो बहन, तुम तो जरा सी बात को बढ़ा रही हो। नहीं बाबू, पिंकी को ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, पिंकी को ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। जाने दो ना, जाने दो, हम अभी आते हैं, हम अभी आते हैं। कहाँ चले गए थे बाबू? चलो खाना खा लो। मिठिया ने खाना खा लिया? जब भूख लगेगी अपने आप खा लेगी, बहुत जिद्दी है। इतना पत्थर दिल मत बनो, आखिर आखिर बच्ची ही तो है, हम समझाते हैं उसे, हम समझाते हैं। हाँ, बाबू
पिंकी, हम पढ़े लिखे तो है नहीं, बिल्कुल गवार हैं, हमें तो बात करने की भी तमीज नहीं है, सठिया गए हैं ना, हमका माफी दे दो, आगे से हम तमीज से पेश आएंगे, किसी के सामने आपका नाम नहीं लेंगे, आप कहकर पुकारेंगे, एक बार अपने मुंह से कह तो हमें माफ कर दिया। ये क्या बाबू, तुम फिर उसे सर पर चढ़ा रहे हो? मेहरबानी करके इस वक्त तुम बीच में मत बोलो, तुमने तो पिंकी को जन्म दिया, तुम तो कुछ भी बोल सकती हो, आखिर हम कौन हैं, मामूली रिक्शा वाले, हमने तो अपनी औकात से ज्यादा बोल दिया। पिंकी, पिंकी एक बार कह दो कि आपने हमें माफ कर दिया, हम सब कुछ सह लेंगे, जो सजा दोगी हम सह लेंगे, लेकिन आपका यह अनबोला नहीं सह सकते, आप हमसे नहीं बोलेंगी तो हमारा दिल टूट जाएगा, हमारा दिल टूट जाएगा तो हम मर जाएंगे। पिंकी एक बार बोल दो कि आपने हमें माफ कर दिया। पिंकी बोलो ना, बोलो कि हमें माफ कर दिया आपने। मामा, 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 मुझे माफ कर दो, मामा मुझे माफ कर दो। कभी कभी न जाने मुझे क्या हो जाता है, मैं अपने आप को छोटा महसूस करती हूँ, घटिया महसूस करती हूँ, इसलिए अनाप शनाप बक जाती हूँ। लेकिन मामा, तुम तो मेरे लिए भगवान से भी बढ़कर हो, फिर भी मैं तुम्हारा इतना अपमान क्यों किया मामा, इतना अपमान क्यों किया तुम्हारा, मुझे माफ कर दो मामा, मामा। इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है, तुम्हारे साथ पढ़ने वाली लड़कियां क्या कहती होंगी, हाँ यही ना कि मेरा मामा जज है, मेरा मामा डॉक्टर है, मेरा मामा मिल वाला है, मेरा मामा बंगले वाला है, और तुम क्या कहोगी, हाँ ये कहोगी कि मेरा मामा एक रिक्शा वाला है। अरे रिक्शा वाला तो मैं हूँ, रिक्शा वाला रहूंगा, कितनी भी कोशिश कर लूं इससे ऊपर नहीं उठ सकता, इससे ऊपर नहीं उठ सकता मैं। मामा तुम जो कुछ भी हो मेरे लिए सब कुछ हो, आगे से तुम्हारी मर्जी के खिलाफ मैं कुछ नहीं करूंगी, तुम जो कुछ भी कहोगे मैं हमेशा वही करूंगी, कसम से मामा, कसम से। पिंकी मामा, पिंकी सॉरी पिंकी, आज के बाद तुम्हें मेरा इंतजार करने की और मुझसे बातचीत करने की कोई जरूरत नहीं। जरा सी देर के लिए इतनी बड़ी सजा? ये सजा नहीं, सच्चाई है। मेरे मामा को तुमसे मेरा बातचीत करना, मिलना जुलना बिल्कुल पसंद नहीं है। लेकिन तुम्हारे मामा ने इसकी कोई वजह तो बताई होगी? इसकी वजह तो वो ही जाने, मुझे तो सिर्फ इतना ही मालूम जितना मामा ने कहा, उनकी भावना के खिलाफ मैं कभी नहीं जा सकती। तुम कैसी बातें कर रही हो पिंकी, भावनाएं क्या सिर्फ तुम्हारे मामा और तुम्हारे पास है? क्या मेरी भावनाओं की कोई कीमत नहीं? देखो पिंकी, मैं तुमसे एक आखिरी बात कहना चाहता हूं, अगर तुम मुझे और अपना सुनहरा भविष्य चाहती हो तो मेरी गाड़ी का दरवाजा खुला है, अंदर बैठ जाओ, और अगर तुम्हारे लिए तुम्हारे मामा ही सब कुछ हैं तो बगैर पीछे देखे सीधे चली जाओ। मैं जानता था तुम वापस आ जाओगी, आओ अंदर आ जाओ।
आपका पेन। पिंकी, आज तेरा मन पढ़ाई में नहीं लग रहा है, इम्तिहान सर पे हैं। हाँ मम्मी, 300 रुपए से भी ज्यादा फीस जमा करनी है, कल आखिरी दिन है। कल? मुझे पढ़ाने लिखाने से मामा को मिला ही क्या? फेफड़ों का दर्द, खांसी, बीमारी, मामा मेरे लिए तिल तिल कर जल रहे हैं। ये मुझसे देखा नहीं जाता मम्मी, मुझसे देखा नहीं जाता। मम्मी, मैं सोच रही हूँ अपनी पढ़ाई बंद कर दूँ। क्या? हाँ मम्मी, मैं कोई नौकरी ढूंढ लूंगी और मामा का बोझ हल्का करूंगी। इन्होंने हमारे लिए जो कुछ भी किया, अगर हम 100 बार भी जन्म ले तो भी उसे चुका नहीं पाएंगे। हाँ बेटी, 100 बार भी जन्म ले तो भी नहीं उतार सकते। इतने सवेरे तुम कहाँ जा रहे हो बाबू? जल्दी जाने से स्टेशन की सवारी अच्छी मिलती है। रात भर तुम ठीक से सोए भी नहीं, कितनी तकलीफ रही है तुम्हें, आज अस्पताल जरूर जाना। हाँ चला जाऊंगा जब वक्त आएगा। तुम मेरी बात सुनते क्यों नहीं? अरे यार कहाँ फंस गए, कब पहुंचाएगा ये? राम राम।
बापरे कहीं वो चल गया ये। देखो शंभू काका, जब तक हमारे ये दो हाथ सलामत है, हमारे जिस्म में ताकत है, तब तक हमें किसी के सामने हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं है, किसी भगवान से भीख मांगने की जरूरत नहीं है। ये क्या, मेरे शेरदिल बाबू की आंखों में आंसू? ये आंसू नहीं है काका, ये हमारी मजबूरी है। हमें पैसे चाहिए पिंकी बिटिया के इम्तिहान के लिए। हमने सोचा था दिन रात मेहनत करके रिक्शा चलाकर किसी तरह कुछ पैसे जमा कर लेंगे, लेकिन क्या करें, ये कमबख्त शरीर साथ नहीं दे रहा है, ये कमबख्त शरीर साथ नहीं दे रहा है। बाबू तुम क्या थे और क्या हो गए हो, एक बार उनके घर में अन्न खाकर उसकी इतनी बड़ी कीमत चुका रहे हो, तिल तिल करके अपनी जिंदगी को मिट्टी में ला रहे हो। नहीं 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 काका, जब पिंकी बिटिया हमें मामा मामा कहती है तो हमारा तन मन सब खिल उठता है। उसके उसके मीठे बोल सुनने के लिए एक जिंदगी तो क्या, हजारों जिंदगी हम उस पर निछावर कर सकते हैं। हाँ बाबू, मैंने इस दुनिया में बहुत कुछ देखा है लेकिन तुम्हारे जैसा इंसान नहीं देखा। बाबू तुम इस धरती पर भगवान हो। अरे काहे का भगवान, काहे का इंसान, अरे हम तो एक मामूली सड़क छाप आदमी हैं। काका बड़ा अभिमान था हमें कि हमारे हाथ हमेशा सलामत रहेंगे, हमारे जिस्म की ताकत कभी कम ना होगी, लेकिन देखो वक्त ने कितना बड़ा मजाक उड़ाया हमारे साथ कि आज हमारे हाथों में ताकत नहीं रही रिक्शा खींचने की, ना पांव में दौड़ने की शक्ति रही, और ना सीना तान कर चलने की वो अकड़। काका सब कुछ खत्म हो गया काका, अरे सब कुछ खत्म हो गया। नहीं बाबू नहीं। घबराइए नहीं काका, जब तक हमारी पिंकी बिटिया को डिग्री नहीं मिल जाती, जब तक हम उसे काले जब्बे और काली टोपी में नहीं देख लेते, अरे तुम्हारे एक भगवान तो क्या सारे भगवान मिलकर भी बुलाए तो हम जाने वाले नहीं है। बाबू काका इस रिक्शे का दाम कितने दाम मिलेंगे? दाम? तुम रिक्शा बेचना चाहते हो? हाँ क्या करें, जब हमसे खींची नहीं जाती तो हम इसे अपने पास रख के क्या करेंगे। हाँ हमें अच्छे से दाम दिलवा दो, मैं सिर्फ 500 रुपए चाहिए, सिर्फ 500 रुपए। हाँ अच्छा। ये लो, ये रिक्शा की कीमत है ना? नहीं, एक दोस्त की दोस्ती का छोटा सा तोहफा है। नहीं, हमें आपका ये तोहफा मंजूर नहीं है। तो फिर लानत है मेरी जिंदगी पर, ठिकाना है मेरी दोस्ती पर। इतना वक्त साथ गुजारने के बावजूद भी क्या मुझे इतना हक नहीं कि मैं वक्त पर तुम्हारे काम आ सकूं? वो वक्त भी आएगा शंभू काका, जब सिर्फ आप ही काम आएंगे। कंजूसों की तरह वो वक्त हमने बचा के रखा है सिर्फ आपके लिए। हमारे मरने के बाद अंतिम क्रिया कर्म भी आप ही को करना होगा, और उस पर जो खर्चा आएगा ना वो भी आप ही को करना होगा। शंभू काका रिक्शा रखते हैं तो पैसे दे दीजिए, हम ले लेंगे, नहीं तो हम चले। ठहरो बाबू, ठहरो ठहरो बाबू। हम रिक्शा खरीद ली, आइए आइए हमारे साथ। शंभू काका इस रिक्शा ने बहुत साल हमारी सेवा की है, बहुत साल सुख दुख में साथ दिया है, इसे संभाल के रखना।
Congrats. देख लिया बहन, बहन हमने देख लिया। क्या देख लिया? खुशी के मारे तुम तो बेताब हो रहे हो। अगर अगर आज हमारा दम भी निकल जाए तो कोई बात नहीं। आज आज हमने वो नजारा देख लिया जिसके लिए हमने अपनी जिंदगी नजर कर दी थी। आज पिंकी को डिग्री मिल गई। हाँ, पिंकी को डिग्री मिल गई बहन। अच्छा अच्छा, हाँ। ये लेकर आ रहे हो? लो, पिंकी बिटिया भी आ गई। हाँ? हाँ। अरे पिंकी, पिंकी वो काला जब्बा और वो काली टोपी फिर से पहनकर अपनी माँ को दिखाओ। हाँ। मम्मी, मामा कहाँ है? मामा, मामा क्या हुआ है तुम्हें? बोलते क्यों नहीं मामा? क्या किया है मैंने? मामा मेरी तरफ देखो ना। जो जिंदगी का ये भी तो वैसा ही दिन है खुशी का। जीने का ढंग तुझसे मैंने सीखा। मामा अपना मुंह खोलो। तू तो ऐसी बात कर रही है जैसे डॉक्टर रानी बन गई है। मुंह खोलो। मुझे डिग्री मिल गई ना, उसकी मिठाई। चलो मुंह खोलो। नहीं, पहले पहले अपनी माँ को खिलाओ। बेटी, तेरे माता पिता प्रभु परमात्मा सब यही हैं। इनका पहला हक है, इन्हें मिठाई खिलाओगी तो ये मिठाई प्रसाद बन जाएगी बेटी। हाँ। नहीं पिंकी, आओ हमारे साथ आओ। बिटिया को डिग्री मिल गई मालिक, इसे आशीर्वाद दो। पिंकी पिताजी को प्रणाम करो। हाँ। आप चुप क्यों हो गए डैडी? याद है डैडी, आप ही कहा करते थे बराबरी, समानता, इक्वालिटी सिर्फ किताबों में नहीं बल्कि लोगों के दिलों में भी होनी चाहिए। दूसरों को उपदेश देना बहुत आसान होता है बेटे, पर जब इंसान पर खुद पर पड़ती है तो। खैर ठीक है, तुम उस लड़की और उसके रिक्शे वाले मामा से कहो हमसे मिले आकर। वो हमसे मिलने नहीं आएंगे डैडी, हमें उनसे मिलने जाना पड़ेगा। क्या बकते हो? जी हाँ डैडी, पिंकी के मामा एक बहुत ही खुददार आदमी है। जब उन्हें यह मालूम हुआ कि मैं एक बहुत ही अमीर बाप का बेटा हूं तो उन्होंने पिंकी को मुझसे मिलने से भी मना कर दिया। क्या ये जानते हो भी कि तुम एक लखपति बाप के बेटे हो? जी डैडी, और उस दिन से पिंकी ने मुझसे मिलना जुलना बिल्कुल बंद कर दिया। तो फिर हम क्या करेंगे उनसे मिलकर? हम उन्हें यह साबित कर सकते हैं डैडी कि सभी अमीर लोग बुरे नहीं होते, उनके भी कुछ आदर्श होते हैं, कुछ उसूल होते हैं। बोलिए डैडी, आप पिंकी को अपनी बहू स्वीकार करेंगे?
चलिए। ये मेरे डैडी हैं। डैडी, ये मैं जानता हूं, तुम कार में जाकर बैठो। तुम यहीं बैठो। मैंने तुम्हें देखा तो नहीं, लेकिन तुम्हारे बारे में सुना बहुत। हाँ, मिले तो हम भी नहीं हैं आपसे, बहुत तस्वीरें देखी हैं आपकी अखबारों में। हाँ, मैं तुमसे कुछ जरूरी बातें करने आया हूँ। दोनों बच्चे एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं बाबू। जिंदगी बच्चों का खेल नहीं है कि आप अपने रोते हुए बच्चे के आंसू पोंछने के लिए खिलौना खरीदने यहाँ चले आए। हाँ, अगर हम खिलौने के खरीदार होते तो वो हमें बेशुमार मिल सकते थे, और वो भी ऐसे खिलौने जो अपने साथ लाखों का माल भी लाते। तो फिर आप यहां क्या करने चले आए? हाँ, अमीरों ने तो कभी गरीबों को सही समझा ही नहीं है। आप तो पैदाशी अमीर हैं, आप गरीबों को कैसे समझ सकते हैं? बाबू, जैसे छोटे बच्चों के मन में ये बात बैठी होती है कि दाढ़ी वाले उन्हें उठाकर ले जाते हैं, उसी तरह तुम्हारे मन में ये बात बैठ गई है कि दुनिया के सारे अमीर बुरे होते हैं। वो हमें नहीं मालूम, नहीं मालूम। हम सिर्फ इतना जानते हैं कि हमारी बेटी के लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है। हाँ, हमारे घर में तो चोरी नहीं है जो रुपये से भरी हो। जी हाँ, हमारे पास दिल बहुत बड़ा है जिसमें बहुत बहुत प्यार है। हाँ, बहुत प्यार है। नहीं बाबू, जिसे तुम प्यार कहते हो वो असली माँ बाप का प्यार नहीं। हाँ, आप कहना क्या चाहते हैं? बाबू, बच्चा कब दूध के लिए रोता है, कब दस से रोता है, ये फर्क सिर्फ वही माँ बाप जान सकते हैं जिन्होंने बच्चे को पैदा किया हो। वो नहीं जान सकते जिन्होंने सिर्फ बच्चे को पाला हो। आपका मतलब है साहब कि पिंकी हमारी अपनी? पिंकी की भलाई नहीं चाहते क्या? हाँ हाँ, तुम उसकी भलाई नहीं चाहते, तुम उसके दुश्मन हो। जब करोड़पति वेद प्रकाश को यह पता चला कि उसका बेटा एक मामूली लड़की से प्यार करता है, तो उसे अपने बेटे की खुशी के लिए अपना आलिशान बंगला छोड़कर एक मामूली रिक्शे वाले की झोपड़ी में आना पड़ा, और उसे उस बाप की तकलीफ उठानी पड़ी जिसने बच्चा पैदा किया है। लेकिन तुम उस बाप का आराम उठा रहे हो जिसने अपनी बेटी को सिर्फ पाल पोस कर बड़ा किया है, पैदा नहीं किया। नहीं साहब, ऐसा मत बोलिए, ऐसा मत बोलिए। आप पहले आदमी हैं जिसने पिंकी और हमारे प्यार में खोट निकाला है, कमी निकाली है। ये सुनने से पहले हम मर क्यों नहीं गए? देखिए ना साहब, हम कितने मूर्ख हैं, अनपढ़ हैं। हमें तो ये भी नहीं मालूम आपसे कैसे बातचीत करनी चाहिए। हम तो ये भी नहीं जानते आपसे कैसे। बाबू, बाबू, मुझे माफ कर दो बाबू, मुझे माफ कर दो। मेरी बातों ने तुम्हारा दिल दुखाया है। अपने बच्चों के लिए माँ बाप का जो प्यार होता है वो तो फर्ज होता है, स्वार्थ होता है, लेकिन एक पराई बच्ची के लिए तुम्हारा प्यार सिर्फ प्यार नहीं है, फर्ज नहीं है, स्वार्थ नहीं है, महान त्याग है बाबू, महान त्याग जिसकी बराबरी संसार के कोई मां बाप नहीं कर सकते। साहब, प्रेम की स्वर्गीय मां की इच्छा थी कि उसके इकलौते बेटे की शादी उसी की मस्जिद से होनी चाहिए। मैं उसकी अंतिम इच्छा को पूरा करना चाहता हूं। लेकिन देखो बाबू, अगले शुक्रवार को ही शुभ दिन है, और उसी दिन प्रेम की मां की सालगिरह भी है। मैं चाहता हूं कि शादी उसी शुभ अवसर पर हो, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हारे मुंह से हां सुनना चाहता हूं। लेकिन हमारे हाँ करने से क्या होता है? हाँ तो लड़की लड़की की माँ को करनी चाहिए। बहन, बहन,
जरा बाहर तो आओ। ये साहब आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। बहन जी, मैं अपने बेटे की शादी आपकी बेटी से करना चाहता हूं, आपका क्या कहना है? आपको मंजूर है ना? यहां सिर्फ पिंकी के मामा के कहने से ही सब चलता है, ये जो कहें जैसा चाहे। समधी जी, आपका क्या कहना है? अरे तो हमें बहू की शक्ल तो दिखाओ भाई। पिंकी, पिंकी बेटा, इनके पांव हाथ लगा। जीती रहो बेटी, बड़े किस्मत वाले हो बखुदा। हाँ, अच्छा अब हमें इजाजत दीजिए, चलते। अरे समझी जी, आप ये क्या कर रहे हैं? हम लड़की वाले हैं, आपको अपनी इज्जत दे रहे हैं, बैठिए। बैठो बेटा। चंबू काका। बाबू। चंबू काका, लाओ मुंह खोलो। हाँ मुंह खोलो। बाबू, ये मिठाई किस खुशी में खिला रहे हो? की बेटी की शादी पक्की हो गई है ना? हाँ, मुझे मालूम है, और मुझे ये भी मालूम है कि वो लोग बहुत शरीफ और पैसे वाले हैं। बाबू बाबू, तुमने साबित कर दिया बाबू कि अगर इरादे नेक और मजबूत हो तो इंसान हिमालय को भी चुका सकता है। इसलिए इसलिए हम न्योता न्योता देने आए ना। आप शादी में आएंगे ना? जरूर आऊंगा, और आकर देखूंगा कि हमारा बाबू बड़े बड़े लोगों में बैठकर कितना बड़ा लगता है। तो फिर आपको आपको निराशा होगी। क्यों? हम शादी में नहीं जा रहे हैं। ये बात पिंकी को मत बताना। हा? ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? हाँ देखो ना, ये शादी करोड़पति सेठ प्रेत प्रकाश के बेटे प्रेम की, स्वर्गवासी लखपति सेठ शंकरलाल की बेटी पिंकी के साथ हो रही है। वाह, हम जैसे 2% के रिक्शा वाले का क्या काम है? तुम पागल तो नहीं हो गए? हाँ पागल हो गए, यही समझ लो, बुड्ढे हो गए ना। काका काका, हम ये शादी आपकी नजरों से देखेंगे। शादी की शहनाई आपके कानों से सुनेंगे। दुल्हन को आशीर्वाद हम आपके दिल से देंगे। काका आप आशीर्वाद देने जाएंगे ना? हाँ? जाएंगे ना? जरूर जाऊंगा।
मामा 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 वो लोग आ गए मुझे तुमसे अलग करने के लिए दूर ले जाने के लिए मामा। मत रो बेटा मत रो, तुम्हारे मामा से तुमको कोई दूर नहीं ले जा सकता। जब हम नहीं भी होंगे ना तो भी हमेशा तुम्हारे पास रहेंगे, हमेशा। चलो पिताजी को प्रणाम करो। चलो बैठी। पिंकी। जी मामा। तुझे दहेज में देने के लिए तेरे मामा के पास कुछ भी नहीं है। कैसी बातें कर रहे हो मामा, तुमने तो मुझे अपनी पूरी जिंदगी दहेज में दे दी। फिर भी कुछ न कुछ। देख इसे हमारी निशानी समझकर अपने पास रख लेना। ये प्यार का सबसे वफादार जानवर है। चाहे बीमार पड़ा हो, मर रहा हो, फिर भी अपने मालिक की आवाज सुनकर अपनी वफादारी जरूर दिखाता है। मामा। बाबू। ये नए कपड़े तुम्हारे लिए हैं। मंदिर में भगवान को चाहे 5 लाख की भेंट चढ़ाएं या 5 पैसे के फूल, भावना वही होती है। तुम्हारे जैसे नर नारायण को मैं इतनी ही भेंट दे सकती हूँ। लो इन्हें पहन लो, इन्हें पहन लो बाबू। हाँ? इन्हें पहन लो। हाँ हाँ पहन लेंगे, पहन लेंगे। चलिए भाभी। मामा मामा इसे मैं उठा लेती हूँ। नहीं बेटे नहीं, आज के बाद कहाँ कुछ उठाने वाले हैं। हाँ जो आज तक उठाते रहे उसे तो किसी और के हाथ में सौंप रहे हैं। हाँ पिंकी बेटे उठाने दो, आखिरी बार अपनी बेटी के लिए। हाँ बैठ जा। मामा। हम कहते बैठ, बैठ ना, बैठ जा। मामा, नहीं मामा। रो मत बेटी। मामा नहीं, नहीं मामा। खुशी खुशी जा। आप भी चले गए। बेटी की शादी है ना, तो आपको भी शामिल होना है।
इसलिए हमें चले गए, ठीक है पिंकी। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गण ध्वज मंगलम पुंडरी काक्ष मंगलाय शंभो हरि ओम सुमाय स्वाहा सुमाय नमः ओम प्रजापते स्वाहा प्रजापते नमः ओम इंद्राय स्वाहा इंद्राय नमः ओम प्रजत्याव्यानाय स्वाहा ओम तनुबंधुजनिता सविधाता धामान्यवेद भुवनानि विश्वा यत्र दिनानास्ति ये धामान्य धैर्यंत। मैं बाबू का दोस्त हूँ शंभुनाथ। मुझे बाबू ने पिंकी बिटिया की शादी के लिए खास तौर पर बुलाया है, ये कार्ड दिया है, मैं अंदर जा सकता हूँ? अरे कमाल करते हैं आप, हमारे समधी के दोस्त भी हमारे समधी हुए। आई तशीफ आई। अच्छा क्या बात है पिंकी, किसे ढूंढ रही हो? मामा अभी तक नहीं आए। शुभ घड़ी बीती जा रही है, फेरे आरंभ कर दें। थोड़ा रुकिए पंडित जी, कन्या के मामा आते ही होंगे। बहन जी, पंडित जी कह रहे हैं कि अब ज्यादा देर नहीं करनी चाहिए, आपका क्या ख्याल है, फेरे शुरू करवा दिए जाएं? पंडित जी शुरू कीजिए। अरे भाई तुम सब लोग यहाँ क्यों खड़े हो, जाओ बाहर जाओ। अरे बाबा तू भी जा, तेरी किस्मत खुल गई है, दूल्हा दुल्हन अपने हाथों से खाना खिलाएंगे, अब तो जा। जाना भाई, जाके खाना खा ले, यहाँ क्यों खड़ा हुआ है? हम किसी के मामा नहीं है, हमारा इस लड़की के साथ कोई संबंध नहीं है, हम गरीब भिखारी हैं, इसके साथ हमारा कोई रिश्ता नहीं है। घर से विदा करने के बाद क्या तुमने मुझे अपने दिल से भी विदा कर दिया? मुझसे ऐसी कौन सी बहू लोगे मामा, जो पल भर में तुमने प्यार का रिश्ता तोड़कर निर्दय की तरह कह दिया कि मैं तुम्हारा मामा नहीं हूँ। ऐसे क्यों कह दिया मामा, ऐसे क्यों कह दिया तुमने, मामा ऐसे क्यों कह दिया तुमने? मैं बताती हूँ बेटी, इसने तुम्हारे पिता के प्यार को सिर्फ एक कर समझा था, सो चुका दिया और छुटकारा पा लिया बस। नहीं नहीं बहन, नहीं नहीं ऐसा मत कहिए, हमने तो उनके प्यार को कभी कर्ज नहीं समझा, हमेशा वरदान समझा है। मामा, मामा, नहीं मामा, मामा, जब तक तुम हमारे सर पर हाथ रखकर आशीर्वाद नहीं दोगे, हम तुम्हें जाने नहीं देंगे। मामा, एक बार सिर्फ एक बार अपने मुंह से कह दो जीते रहो, हम जी जाएंगे मामा, बोलो ना मामा बोलो, नहीं तो हम तुम्हारे चरण नहीं छोड़ेंगे। हम कितने खुश नसीब है, कितने चाहने वालों के बीच में है, कितने करीब है। भगवान
हमने तुम्हें आज तक कभी नहीं माना, ना ही तुझसे कुछ मांगा है। आज पहली बार तुम्हारे सामने अपनी ये छोली फैलाकर तुमसे दुआ की भीख मांगते हैं। संसार की सारी खुशियां इनकी जिंदगी में भर दो, ताकि ये सुखी रहे, खुश रहे। हमें और कुछ नहीं चाहिए तुमसे, कुछ नहीं चाहिए। आज हमारी सब तमन्नाएं पूरी हो गई, सब तमन्नाएं। कोई इच्छा बाकी नहीं है। आज हम बहुत खुश हैं। जिसके सिर ऊपर तू स्वामी, सो दुख कैसा पावे। बोल न जाने माया मद माता, मरण चीत न आवे। ये कहानी कहीं की भी हो सकती है, हर उस जगह की जहां मेहनत कश काम करते हैं, लेकिन ये कहानी है एक ऐसे महानगर की जहां आदमी आदमी को खींचता है, जहां आज भी फरिश्तों के पैर इंसान की जिंदगी को मंजिल तक पहुंचाते हैं।
काम चलाओ, जल्दी काम करो, सुनाई देता क्या तुम्हें? चलो उधर, एक कालिए काम चोर, जल्दी कर, चल इधर, दिखाई नहीं देता क्या तेरे को? तुम इंसान हो, कौन हो? देखो मजाक नहीं है, हम कहते हैं डंडा छोड़ दो। हाँ बेटे को छोड़ दो। लो छोड़ दिया। ये क्या बदतमीजी है, मेरी फैक्ट्री में काम करते हो और मेरे बेटे पे हाथ उठाते हो? अबे चुप, हमने इस पर हाथ नहीं उठा, इसने हमारा हाथ उठवाया। ये देखो क्या हाल बना इसका, ये आदमी अपनी उम्र से ज्यादा बोझ उठा के ले जा रहा था तो आपका ये आंखों वाला अंधा इससे टकराया और इसका ये हाल बना दिया। Shut up! इससे बहस करने की कोई जरूरत नहीं पिताजी, इसे पुलिस के हवाले कर देना चाहिए। बुला पुलिस को, बुला, हम भी बयान देंगे तूने इसको कैसे मारा है। अरे सेठ जी, पुलिस को बुला के आपका लड़का क्यों फोकट के लफड़े पड़ना चाहता है? अभी उल्लू, पुलिस को बुलाकर खुद फंसना चाहता है? आज से तुम नौकरी से बर्खास्त किए जाते हो। अरे जा, तू कौन होता है हमें नौकरी से बर्खास्त करने वाला? हम इसी वक्त तुझे मालिक होने से बर्खास्त करते हैं। और सुना, इसे अस्पताल ले जाओ वरना हम तुम दोनों को अस्पताल पहुंचा देंगे। पास करता है। जय हो, जय हो, जय भोले भंडारी, जय लक्ष्मी माता, जय काली माता, सबका भला करना और साथ हमारा भी। अबे हाथ मेरे रास्ते से। क्या कहा? नहीं नहीं, मैं तो अपने आप से कह रहा था। शंभू नाथ का दिमाग खराब हो गया, कैसे कैसे घंटों से दोस्ती रखता है। ओ! अरे बाबू जाने दो इसे, छोड़ो छोड़ो, आओ इधर आओ इधर आओ। आज काम से इतनी जल्दी लौट आए? हम तो काम से हमेशा के लिए लौट आए। क्या मतलब? मतलब ये कि हमने नौकरी छोड़ दी। क्यों? हमें सेठ के बेटे का रवैया ठीक नहीं लगा। कुछ खास नहीं हो गई? हमारे साथ हो या साथ ही मजदूर के साथ, बात तो एक ही है। अरे लानत है ऐसी नौकरी पर जो चंद पैसों के लिए एक आदमी को कुत्ते की तरह जलील किया जाए। हम तो आज की मजदूरी भी छोड़ा है। चलो जाने दो, पहले मुंह हाथ धो लो फिर कुछ खा पी लो। खाने पीने के लिए पैसे नहीं है हमारे पास। कैसी बातें करते हो बाबू, तुमसे पैसे किसने मांगे हैं? क्या ये कम है शंभू काका कि आपने हमें सहारा दिया, इस होटल में रहने की जगह दी और सबसे बढ़कर हमें अपने दिल में जगह दी। क्या क्या? और खाने पीने के मामले में आपको हमारा असूल मालूम है कि जब तक हम अपनी रोटी खुद नहीं कमाएंगे, कुछ नहीं खाएंगे, चाहे हम मर क्यों ना जाएं। बाबू जिद ना करो, कुछ खा पी लो, रही काम की बात, भगवान की दया से कोई ना कोई काम जरूर मिल जाएगा। तुम भी भगवान के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना करो ना। देखो शंभू काका, जब तक हमारे ये दो हाथ सलामत है, हमारे जिस्म में ताकत है, तब तक हमें किसी के सामने हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं है, किसी भगवान से भीख मांगने की जरूरत नहीं है। क्या ये कम है कि आज की दुनिया में भी आप जैसे लोग हम पर मेहरबान हैं? चले बुड्ढे जल्दी चल, गाड़ी का टाइम हो गया है, स्टेशन जल्दी चल। हाँ, चलता हूँ सर, चलता हूँ। अरे तुम तो हमें मरवा दोगे, इससे तो अच्छा था कि पैदल चले जाते। चल चलो चलो जल्दी चल। समझ में नहीं आता, एक पैर कमर में लटका बैठा है, दूसरे से रिक्शा खींच रहा है। क्या करे बेचारा, आदमी की लाश तो जला दी जाती है लेकिन जब तक लाश जिंदा है उसे पेट की आग जलाती रहती है। बस बस ज्यादा लेक्चर मत छाड़ो, हमें जल्दी स्टेशन पहुंचना है। एक मिनट एक मिनट। आओ चाचा। किसका मुंह देखा था, कहां फंस गए आके यार। आओ चाचा थोड़ी देर आराम करो, बैठो। अब तो आज की रोजी की कही। फिक्र मत करो चाचा, आज से हम आपका रिक्शा चलाएंगे, जो भी मिलेगा आधा आपका आधा हमारा। बेटा क्या नाम है आपका? अरे जरा जल्दी करो भाई, हमारी गाड़ी छूट जाएगी। चाचा इन सवारियों का कितना किराया तय किया था? ₹3। ₹3?
अरे हाथी जैसे इतने मोटे मोटे दो आदमी और इनके 3 रुपए, इनसे तो डबल लेना चाहिए था। अरे भाई जल्दी करो। अरे हाथ चाचा आप यहीं बैठो, इन्हें स्टेशन पर छोड़ कर आते हैं अभी। अरे जल्दी करो भाई, हमारी गाड़ी छूट जाएगी। अरे साहब फिक्र मत करो, हमारी जान छूट जाए लेकिन आपकी गाड़ी छूटने नहीं देंगे। बाप रे भारी है, लगता है अब ये भी सीखना पड़ेगा। हाँ ठीक से चलाना। चल बेटा। कहाँ जाता है? ये मेरा रिक्शा है, ठहरो, पकड़ो, चोर चोर, पुलिस पुलिस। अरे चिल्लाता क्यों है सेठ? अरे वाह, मेरा रिक्शा है और मैं चिल्लाऊंगा नहीं। ये तेरा रिक्शा है? जी हाँ, 100% मेरा रिक्शा है। ये टेढ़े मेढ़े पहिए, ये टूटी हुई छत, ये फटी हुई गद्दी, मैंने ये रिक्शा रामू को चलाने को दिया था, ये तेरे हाथ कैसे लग गया बे? अबे तबे से बात की ना तो हम 32 निकाल कर तुम्हारे हाथ में रख देंगे। अरे वो तो रामू काका की तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए हमने ये रिक्शा ले ली चलाने के लिए, हमें काम की जरूरत थी रामू काका को रोजी की, अब तो हम दोनों इस रिक्शा के बराबर के हिस्सेदार हैं। कमाल कर रहे हो, मेरी धोती को फाड़ के रुमाल कर रहे हो, रिक्शा मेरा और हिस्सेदार तुम दोनों। सेठ तुम्हें भाड़े से मतलब है ना, 10 रुपए रोज मिल जाया करेंगे। 10 रुपए तो 10 साल पुराना रेट था, आज का नवा रेट 25 रुपए से कमती नहीं होगा। 25? देखा कंजूस को, 25 रुपए में तो कोई कबाड़ी भी इसे नहीं खरीदेगा, संभालो अपना अंगड़ दंगड़। अरे मेरे मुन्ना मेरे राजा, तू तो नाराज हो गया, मैं तो मजाक कर रहा था, चलो 10 रुपए से ही। लेकिन हर शाम ढले मेरी खिड़की तले मेरी झोली में 10 रुपए डाल देना, शाम ढले खिड़की तले 10 रुपए। सेठ हम समझते थे कि मजबूर होकर सिर्फ गरीब ही भीख मांगते हैं, लेकिन हमें नहीं मालूम था कि तुम जैसे सेठ भी भीख मांगते हैं। अरे तुम मुझे भिखारी कह लो, कंजूस कह लो, कमीना कह लो, कुछ भी कह लो, लेकिन रात को सोने से पहले मेरा भाड़ा दे दिया करो, नहीं तो मेरी रातों की नींद हराम हो जाएगी। अरे चुड़ीला कहाँ गया? अबे चुड़ीला के बच्चे, मेरा सुनो बेटा का, मैं तो असली जाना, मैं बर्बाद हो जाऊंगा। वाह बेटा वाह, ये जूनियर वाले को खरी खरी सुनाने वाला, आज तो बड़े रिक्शा वाले हो। क्या नाम है तुम्हारा? बाबू। बाबू बहुत अच्छा नाम। मेरा नाम गुल्लू, ये दादू, ये मोटू और ये टिकू। गुल्लू मियां, हमारे आने से आप लोगों को कोई इतराज तो नहीं? कैसी बातें करते हो, ये तो हमारी खुश नसीबी है, तुम्हारे जैसा शेर दिल आदमी आज हमारी बिरादरी में शामिल हो रहा है। भाइयों डिस्ट्रॉय डिस्ट्रॉय। ये कौन है? जोगू। अबे जोगू नहीं, जगू। ये भी रिक्शा चलाता है? बाबू भैया ये रिक्शा नहीं चलाता है लेकिन दूसरा बहुत कुछ चलाता है, दारू का धंधा भी चलाता है, जुआ का आटा भी चलाता है और ऐसी ऐसी चीजें चलाता है कि मुझे बताते हुए शर्म आती है। क्यों बे मोटे, जबान पे चर्बी चढ़ी है क्या? कहो तो छाड़ दूं। हाँ जगू मास्टर, नाराज क्यों हो रहे हो? मैं तो तुम्हारी तारीफ कर रहा था, कुछ माल वाल लाए हो? चुप है, इस वक्त जग्गू अपना माल देखने आया है। हाय हाय, आ गई कमरानी मरियम। हाय क्यों कमो, आज सबको टिफिन पहुंचाकर आने में बहुत देर कर दी, अपने चिकने चेहरे पर पाउडर, होठों पे लाली और आंखों में कजरा, 16 सिंगार करने में टाइम तो लग ही जाता है ना। अरे हट गंदे थोपड़े के। हाय हाय, अरे कम्मो रानी क्या खराबी हमारे थोपड़े में? हटा छड़ी। न हटाऊं तो कम्मो। अबे शर्म नहीं आती औरत पर हाथ उठाते हुए? जानता है मैं कौन हूँ जग्गू दादा? अरे रामू कालू मेरी छुरी तो लाए।
लो भैया एक प्याली चाय देना। कमीना, माफ करना साहब, माफ करना, गलती नहीं होगी। माफ करना साहब, गलती हो गई तुम्हारी। सलाम हौलदार साहब। सलाम, क्या बात है? एक केस पकड़ाने आया हूँ। हाँ, वो रिक्शा है ना, रिक्शा उसके सीट के नीचे। हाँ? वो आदमी जो चाय पी रहा था ना, वो बेच रहा है, पकड़ लो से, जल्दी जल्दी। रोको रिक्शा। क्यों बे, कौन है इसे? हम गर्भवती का पेट देखकर बता देते हैं कि पेट के अंदर लड़का है या लड़की, समझे? अरे चलो, अरे खोलो इसे, खोलो। सरदार साहब, इसमें और क्या होना है, इसमें तो हमारा खजाना है। चलो ये देखिए ना, ये देखिए, ये मग है, ये खाने की थाली है, ये गिलास है, और ये हमारे ये है दारू की बाटली। नाजायज दारू बनाकर बेचते हो बाजार के अंदर और हमसे झूठ बोलते हो। लेकिन मैं बेचता हूँ पुलिस स्टेशन। अरे मेरी, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी, कच्चा चबा जाऊंगी मैं तुझे, देखते तुम कौन हो? अरे पूछ इस कल मुहे से कौन हूँ मैं। 7 साल पहले 7 फेरे करके ले आया मुझे, और अब कल के तेरे फेरे लगवा रहा है। क्या बकवास कर रही हो कम्मो? अरे चुप हवलदार साहब, 3 दिन से मेरे 3 बच्चे भूख से तड़प रहे हैं, चौथा बुखार में तड़प रहा है, और पांचवा होने को तड़प रहा है, और ये 6 दिन से गायब है ना जाने किस बंदरिया के साथ। जरा अपना डंडा तो देना। नहीं नहीं नहीं, मैं तुम्हारे हाथ में नहीं दे सकता, ये गैर कानूनी है। नहीं मैं हवलदार साहब, हवलदार साहब, चोट तो नहीं आई? ये लीजिए डंडा। अरे वो कंबक रिक्शा वाले, ऐसी गुणवती, रूपमती और सत्यवती बीवी के होते हुए तू बाजार में आवारागर्दी करता रहता है। अगर मेरी ऐसी बीवी होती तो मैं घर के बाहर कदम ही नहीं निकालता। अरे हवलदार साहिब, अगर ये रूपमती, ये गुणवती और ये सत्यवती इतनी ही पसंद है तो दोबारा ही शादी कर लो। हम अभी तलाक दिया देते, लेकिन उसके बाद ऐसा नाच नचाएगी, ऐसा नाच नचाएगी कि आप हवलदार से चमत्कार लगने लगेंगे। क्या बक्के हो? अरे हवलदार साहब, अब आप ही बताइए ना, सारा दिन काम करने के बाद मर्द जब थका हुआ रात को घर लौटता है तो बीवी की क्या ड्यूटी होती है? हैं कि उसे 2 अच्छे बोल बोले, अरे आंखों में कजरा, बालों में गजरा लगाए, अपने मियाँ का दिल बहलाए, उसके हाथ पांव दबाए। लेकिन ये है ना, ये तो सिर्फ पैसे के सिवा कुछ बात ही करती नहीं, जब देखो पैसा पैसा। 100 झूठे मारे होंगे तब जाके ये झूठा पैदा हुआ होगा। जितना कमाता है सब मेरी सौतन पर लुटाता है और बीवी बच्चों को भूखा मारता है। अब समझा, ये गुल छर्रे उड़ाने के लिए इसके पास पैसा कहाँ से आता है? ये नाजायज दारू बेचता है और पैसा कमाता है। अरे ये नाजायज दारू, अरे इस बुद्धू में इतनी अकल होती तो ये कब का लखपति ना बन गया होता, और मैं मोटरों में घूमती मोटरों में। अरे ये दारू नहीं पानी है, पानी जिसे मैंने 6 दिन पहले इसके रिक्शे में रखा था। बहुत प्यास लगी है। ये पानी था, अच्छा हुआ मैं इसे पुलिस स्टेशन नहीं ले गया, वरना मेरी इज्जत पे पानी फिर जाता। चलो क्या तमाशा बना रखा है, चलो चलो की जान, चलो। अरे बड़ी गर्मी लग रही है, आइसक्रीम खिला दो ना ठंडी ठंडी। आइसक्रीम? हाँ वो तो ठीक है, लेकिन ये पानी की बोतल हमारी रिक्शा में कहाँ से आई?
अरे गोबर गणेश, ये पानी नहीं दारू है। दारू? दारू? हाँ, उस जग्गू के बच्चे है ना, तुमको फंसाने के लिए चाल चली थी। हाँ? और मैं सब कुछ दूर से देख रही थी। तू पूरा दारू पी गई? हाँ। अरे तुम्हारी खातिर तो दारू तो क्या, जहर भी होता तो भी पी जाती। तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो ना। अच्छा लगते है ना। आइसक्रीम खिलाओ ना। आइसक्रीम? ये शहनाई की आवाज कहाँ से आ रही है? शहनाई की आवाज वो मंदिर से आ रही है ना, किसी की शादी हो रही है। हा? नहीं, नहीं 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 किसी की नहीं। हाँ। हमारी तुम्हारी शादी हो रही है। हमारी तुम्हारी? अब तो शादी भी हो गई। तो आज रात में तो आइसक्रीम खिला दूँ। अरे कमो, गुमान था।